हेलो दोस्तों, मैं सुशील आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं अयोध्या जी, और अयोध्या जी में आज मैं आप सभी लोगों को लेकर चलने वाला हूं कनक भवन की तरफ। दोस्तों कनक भवन यहां का अयोध्या का सबसे विशाल मंदिर है और सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। दोस्तों इस मंदिर को एक विशाल महल के रूप में अविकल्पित किया गया है। दोस्तों इस मंदिर का स्थापत्य राजस्थान व बुंदेलखंड के सुंदर महलों से मिलता जुलता है। दोस्तों इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो बहुत ही पुराना इसका इतिहास है। दोस्तों ये भी बताया जाता है कि श्री रामचंद्र जी भगवान की सौतेली माता जो थी माता केकई, उन्होंने श्री रामचंद्र जी की पत्नी माता सीता को इस महल को मुंह दिखाई के रूप में उन्हें दिया था। त्रेता युग में मिथिला के महाराज जनक की सभा में जब श्री रामचंद्र जी भगवान जो है भगवान शंकर के धनुष को भंग कर दिया, तब माता जानकी ने उनके गले में वरमाला डाल दिया। दोस्तों उसी रात में जिस दिन माता सीता के गले में श्री रामचंद्र भगवान ने वरमाला डाला था, उसी रात में प्रभु ये विचार करने लगे कि जनक नंदिनी वैदेही मतलब माता सीता अब हमारी अयोध्या जाएंगी, इसलिए उनके लिए वहाँ अति सुंदर भवन होना चाहिए। बताया जाता है कि जिस क्षण भगवान श्री राम ने ये अपने मन में सोचा, उसी समय तुरंत उसी क्षण अयोध्या की महारानी केकई को स्वप्न में संदेश धाम का वह कनक भवन का दृश्य उनको सपने में दिखाई दिया। महारानी केकई को महारानी केकई ने महाराज दशरथ से स्वप्न में दिखे कनक भवन की प्रतिक्रिया अयोध्या में बनने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत उन्होंने राजा दशरथ जी से ये बताया कि हमको यहाँ पे कनक भवन बनवाना है, और राजा दशरथ जी ने तुरंत आग्रह किया। शिल्पी विश्वकर्मा भगवान, बताया जाता है जितने भी भवन जितने भी अच्छे अच्छे भवन वहाँ बनाए गए हैं, पहले बनाए जाते थे वो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाए जाते थे। तो वहाँ पे राजा दशरथ जी ने उनसे आग्रह किया कि उनको एक अच्छा भवन चाहिए, तो उन्होंने तुरंत अति सुंदर भवन जिसका नाम कनक भवन बताया जाता है वो उन्होंने तैयार किया। और माता केकई ने जब वहाँ पे माता सीता अयोध्या आई तो उन्होंने मुंह दिखाए में उस भवन को इन्हें दे दिया। उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों तो विवाह के बाद और माता सीता और श्री रामचंद्र जी भगवान उस महल में रहने लगे। दोस्तों जो ये मंदिर आपको दिखाई दे रही है इस समय, ये ऐसे नहीं था पहले। पहले इसकी बात करें अगर तो सोने चांदी से ये मंदिर जो है एकदम, ये जितने इसमें ईंट वगैरह लगे हुए हैं वो सारे सोने चांदी के हुआ करते थे। लेकिन बाद में अगर बात करें कालांतर में यह जीर्ण शीर्ण होते हुए पुनः नष्ट हो गया था। दोस्तों इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण भी हुआ है। पहला पुनर्निर्माण की अगर बात करें तो राम जी के पुत्र कुश द्वारा द्वापर युग में हुआ था। उसके बाद में राजा ऋषभ देव ने इसे फिर से बनवाया। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान भी कलयुग के पूर्व काल में लगभग 1614 ईस्वी में इस प्राचीन मंदिर की यात्रा किया था उन्होंने, ये बताया जाता है। वर्तमान युग में सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा युधिष्ठिर काल में 2431 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था इसे। दोस्तों बारी बारी से इसका निर्माण होता गया। उसके बाद में अगर बात करें समुद्रगुप्त द्वारा जो है 387 ईस्वी में किया गया एक बार फिर से इसका निर्माण। दोस्तों उसके बाद में इस मंदिर को नवाज सलार जंग द्वितीय गाजी द्वारा 1027 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। इसका इस मंदिर का पुनरुद्वार ओरछा व बुंदेलखंड के टीकमगढ़ के महाराज महाराजा श्री प्रताप सिंह जूदेव एवं उनकी पत्नी महारानी विश्व भानु कुमारी द्वारा 1891 में फिर से कराया गया। दोस्तों इसके निर्माण की अगर बात करें, यह निर्माण गुरु पोष की वैशाख शुक्ल षष्ठी को संपन्न हुआ। यहाँ तीन जोड़ी मूर्तियां आपको दिखाई देंगी जो कि केवल श्री रामचंद्र जी और सीता माता की है। सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना महारानी विश्वभानु कुमारी द्वारा की गई थी।
ऐसा मान्यता है कि मंदिर के निर्माण व स्थापना के पीछे मुख्य शक्तियां वही थी। इस मूर्ति की जोड़ी की दाईं ओर कुछ कम ऊंचाई की मूर्तियां आपको दिखाई देंगी जो कि स्थापित है। कहते हैं कि उसे राजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया था। ये मूर्तियां उन्हीं के द्वारा इसी प्राचीन मंदिर से सुरक्षित रखी गई थी। जब इस पर आक्रमण हुए थे, तीसरी सबसे छोटी जोड़ी की मूर्तियां के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस महिला सन्यासिनी को भेंट की थी जो इस स्थान पर भगवान श्री राम की आराधना कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस महिला को निर्देश दिया कि वह देह त्याग उपरांत इस मूर्ति को अपने साथ समाधि से निकल लें, क्योंकि बाद में यह पवित्र स्थान के रूप में चिन्हित किया जाएगा। तब कलयुग में एक महान राजा इस विशाल मंदिर का निर्माण कराएगा। कालांतर में महाराज विक्रमादित्य ने इस मंदिर के निर्माण के लिए नींव की खुदाई करवाई तो उसे ये प्राचीन मूर्तियां मिली। इस मूर्तियों ने उस महान राजा को अपने द्वारा निर्मित इस विशाल मंदिर में स्थापित किए जाने हेतु गर्भगृह में उचित स्थान के चयन में सहायता की। वर्तमान मंदिर निर्माण के समय तीनों जोड़ी गर्भगृह में प्रतिष्ठित की गई है। अब इन तीनों ही जोड़ियों के को आप देख सकते हैं और आप इन तीनों जोड़ियों के दर्शन भी कर सकते हैं। आप इस मंदिर में जाइए और आप इन सभी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे कनक भवन मंदिर के पूर्ण इतिहास के बारे में। दोस्तों, उसी के साथ साथ आप उसी के जस्ट सामने थोड़ा सा आगे आके लगभग 10 कदम आगे आके ये मंदिर आपको दिखाई देगा, जिसमें निरंतर आपको यहाँ पे राम जी की कथा यहाँ पे हमेशा होती रहती है। आप यहाँ पे भी जाके और राम कथा का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा दशरथ महल के जस्ट बगल का रास्ता है, और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपके जो है लेफ्ट साइड में रास्ता कटा हुआ है, ये आगे जाएगा कनक भवन। तो आप यहाँ से आके और थोड़ी थोड़ी दूर पे ये रास्ते हैं, आपको कोई भी सवारी या कोई भी साधन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैदल भी इन सारे मंदिरों को जो है कवर कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे और इन सारे मंदिरों का जो है दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंडों पे जो है हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप सभी लोगों को पहुँच सके। और अगर आप यहाँ अयोध्या आते हैं तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ पे जितने ब्लॉग में हमारे वीडियो पड़े हुए हैं अयोध्या जी के, उसी वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पे अयोध्या जी के अच्छे से दर्शन भी कर सकते हैं। किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई यहाँ पे ठगी नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।